जितने भी हम पूरे के पूरे सिस्टम्स देखते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग, कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अभी हम FDDI के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस है। यहाँ पर जब आप एक FDDI को कंसिडर कर रहे हैं तो ये एक टू टोकन रिंग है। जनरली क्या होगा, इसमें हम दो रिंग्स कंसिडर करेंगे। एक रिंग, इसे हम आउटर या प्राइमरी रिंग, और एक ये हो गई सेकेंडरी रिंग। जनरली क्या है कि अगर ये दो रिंग्स देने का एक सबसे मुख्य कारण ये है कि अगर एक जो रिंग है उसमें कुछ फेल्यूर है या कोई प्रॉब्लम है या वो कम्प्लीटली काम नहीं कर रही है, तो ये जो सेकेंड है, ये जो इसे सेकेंडरी नाम ही दिया गया है, ये जो सेकेंडरी है इस प्राइमरी के अगर बैठ जाने पे, इफ इट इज नॉट वर्किंग, तो जो सेकेंडरी है वो इट विल एक्ट एज अ बैकअप। ये बैकअप की तरह एक्ट करेगी, और बैकअप करेगी इसका मतलब कि हमारे पास कभी भी आपका पूरा सिस्टम जो है वो फेलियर नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं ये फेल हो गई तो ये काम करेगी, इन केस अगर सेकेंडरी फेल है तो प्राइमरी तो आपके पास इस्टेब्लिश्ड है ही, तो वहां पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और इसका एक और एडवांटेज हम देख सकते हैं कि जब प्राइमरी के बारे में बात कर रहे हैं और हम बात मान रहे हैं कि 100 Mbps का रेट जो है वो आपको अवेलेबल कराती है, और हमारे पास जो सेकेंडरी है जिसको हम बैकअप की तरह इस्तेमाल करें, इट इज ऑल्सो इट मस्ट बी, क्योंकि देखिए ये इसका बैकअप है तो इसका भी रेट 100 Mbps का होगा। अगर मान लेते हैं कि दोनों रिंग्स को हम साइमल्टेनियसली यूज करें, साइमल्टेनियसली इट मीन साथ में यूज करें, तो ये जो आपका रेट है वो अराउंड 200 Mbps हो जाएगा। ये डेटा एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसमें डेटा दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और दो स्टेशन साइमल्टेनियसली, यहाँ पे मैं दो की जगह ये कहूँ कि चार स्टेशन साइमल्टेनियसली आपस में क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये इस तरीके का एक एडवांटेज जो है वो ड्यूअल रिंग होने की वजह से आपको FDDI में मिलता है। इसको टू टोकन रिंग या ड्यूअल टोकन रिंग फॉर्मेट कहते हैं। अब अगर लेंथ की बात करें, सो ये लेंथ जो है इसकी 100 किलोमीटर तक एक्सट्रीमली आप एक्सपांड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रिंग की, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप 100 किलोमीटर कि एक डबल रिंग कंसिडर कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, या ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि FDDI बेसिकली एक बैकबोन नेटवर्क की तरह काम करता है, तो एक बहुत बड़ा बैकबोन नेटवर्क है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। ये तो बिल्कुल, अगर हम पर्टिकुलर स्टेशन को इन पे अटैच करना चाहते हैं तो अटैचमेंट का जो सिंपल फंडामेंटल है वो वही का वही है। अगर ये रिंग जो है स्टेशंस को जोड़ जोड़ के बनी हुई है तो नेचुरली देर इज वन थिंग विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड, दैट इफ एनी स्टेशन गोज डाउन सो द रिंग विल नॉट वर्क। एंड जस्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन, हमने पहले भी जब हम टोकन रिंग का कंसेप्ट देख रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि वी हैव यूज्ड स्विचेस, हमने स्विचेस को इस्तेमाल किया था, सो दैट इट विल नॉट अफेक्ट द कंप्लीट वर्किंग ऑफ द टोकन रिंग। यहां पर भी वी हैव और वी नीड टू यूज कुछ और डिवाइसेस हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे तीन तरीके के डिवाइसेस हैं जो कि इस ड्यूअल रिंग पे अटैच किए जा सकते हैं। फर्स्ट इज SAS, दैट इज नोन एज सिंगल अटैचमेंट स्टेशन। इससे सिंगल अटैचमेंट नाम ही क्लियर है, वैसे विल सी फर्दर। दूसरा है ड्यूअल अटैचमेंट स्टेशन, ये है DAS। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नोन एज कंसंट्रेटर। ये कंसंट्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस कंसंट्रेटर की हेल्प से पूरी की पूरी जो लिंक है वो स्टेब्लिश करते हैं या रिंग जो है स्टेब्लिश करते हैं। नाउ ये SAS जो है सिंगल अटैचमेंट या सिंगल अटैच स्टेशन जो है वो क्या है, बेसिकली ये या तो प्राइमरी पे अटैच्ड हैं या फिर सिर्फ सेकेंडरी पे अटैच है, ये एक ही पर्टिकुलर रिंग पे अटैच होते हैं, प्राइमरी पे या सेकेंडरी पे। तो इस तरीके के जो स्टेशन है उन्हें SAS कहा जाता है। और इन्हें हम कैसे अटैच करते हैं, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम इन्हें डायरेक्टली कभी भी अटैच नहीं करेंगे कि इसका इनपुट पोर्ट उसके आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट कर दिया जाए। नो, वी विल नॉट डू दैट। व्हाट वी विल डू, वी विल यूज स्विचेस हियर ऑल्सो। हम यहाँ पर भी स्विचेस इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटिक स्विचेस, एंड विच आर कनेक्टेड ओवर द लाइन। एंड वॉट इज द पर्पज ऑफ दो स्विच, ताकि हम क्या कर पाए कि अगर ये स्टेशन काम नहीं कर रहा है तो भी हमारी रिंग जो एस्टेब्लिश रहे, क्योंकि ऑटोमेटिक स्विचिंग हो जाएगी, ये स्टेशन इनएक्टिव चला जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और ये जो है लाइन बनी रहेगी। तो ये पॉसिबिलिटी है। और नेक्स्ट इज DAS।
ये जो है ड्यूअल अटैचमेंट है, नाम से क्लियर है, तो ये दोनों रिंग्स पे अटैच होने वाला स्टेशन है। और ये किस तरीके से अटैच होता है, तो इसमें आपके पास सबके पास पोर्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे अटैचमेंट करते हैं। तो ये पोर्ट जो हैं हमारे, तो हमारे पास यहाँ अगर मान लेते हैं, क्योंकि हम DES के बारे में बात करें, तो हमारे पास दो पोर्ट्स हैं, एक है पोर्ट ए, यहाँ पर है पोर्ट बी। पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों ही प्राइमरी से अटैच होंगे, और पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों ही सेकेंडरी पे भी अटैच होंगे, तभी जाके तो ये दोनों रिंग पे अटैच हो पाएगा, तभी जाके तो ये DES कहलाएगा। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा पोर्ट जो है, जो भी आपके DES के पोर्ट्स हैं, जो कि बेसिकली एक टर्मिनल है, उसको दोनों पे अटैचमेंट होगा, ये प्राइमरी पे भी और सेकेंडरी पे भी। तो इस तरीके से इसका अटैचमेंट होगा। नाउ द लास्ट थिंग इज FDDI कंसेंट्रेटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ड्यूअल अटैचमेंट कंसेंट्रेटर। ये ड्यूअल अटैचमेंट कंसेंट्रेटर क्या करता है, ये इस पूरी ड्यूअल रिंग का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ये दोनों रिंग को अटैच करके रखता है, और इसी के थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी रिंग जो है कैसे मेंटेन की जाती है, कि अगर इन केस ऑफ पावर फेलियर और फेलियर ऑफ एनी पर्टिकुलर SAS, अगर कोई भी एक SAS जो है वो अगर डाउन हो जाता है, या अगर पावर फेलियर हो जाता है रिंग पे, तो ये क्या करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर सिस्टम को जो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कनेक्टेड है, उन्हें कनेक्ट रखते हैं, उन्हें इनएक्टिव मोड में जाने से बचाते हैं। क्योंकि अगर जैसे मैंने पहले बताया कि स्विचेस हैं, तो हम यहाँ पे स्विचेस की जगह कंसंट्रेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन कंसंट्रेटर्स की हेल्प से हम SAS को कनेक्ट करेंगे। DES तो डायरेक्टली दोनों रिंग पे कनेक्टेड है, तो अगर जो आपके एक भी कोई पर्टिकुलर एक कोई नोड है, एक कोई टर्मिनल है, वो अगर डाउन चला गया, फेल हो गया, या इसका पावर फेलियर हो गया, तो भी ये कंसंट्रेटर क्या करेगा, आपकी रिंग पे काम जो है रुकने नहीं देगा, इनएक्टिव मोड में इसको जाने नहीं देगा। सो ये है आपका FDDI का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग दीज थ्री बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। एंड द मेन थिंग इज कि हर एक पर्टिकुलर टर्मिनल जो है वो जब डेटा भेज रहा है, तो भेज रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, लेकिन जब टर्मिनल से आ जाएगा रिंग पे, तो वो रहेगा लाइट के फॉर्म में, क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है, फाइबर है।